प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे, जहां सीएम रावत ने भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने शासकीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और विकास कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में अब एक रुपए में पानी का कनेक्शन लगेगा। जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हर घर नल योजना को हर ग्रामीण व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2024 तक हर घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है और वो उत्तराखंड में 2022 तक इस योजना को पूरा कर लेंगे। जनपद बागेश्वर में 460 गांव पंचायतें हैं, जिनमें से 397 गांव पंचायतों तक रोड पहुंच गई है। 10 गांव के लिए भी रोड स्वीकृत कर दी गई है। इसी तरह से जो जल जीवन मिशन है, 25 दिसंबर तक हर घर तक पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो एक रुपए में दिया जाएगा। तो 25 दिसंबर तक बागेश्वर के हर घर को कनेक्शन देने का काम ये पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से जनपद देहरादून को भी 25 दिसंबर माह तक का समय दिया गया है कि वो भी हर घर को पानी का कनेक्शन दे देंगे। इस दौरान सीएम रावत ने ग्राम्य विकास विभाग, आजीविका सहयोग परियोजना और जिला उद्योग केंद्र द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर उनकी उत्पादों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें कोविड-19 से प्रभावित होकर वापस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।